क्वेश्चन में हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने के लिए कहा गया है जिसका एक मेंबर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया है 6। अगर क्वेश्चन में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर दिया गया हो और अगर वो इवन हो, जैसे कि यहां पर एक मेंबर हमको दिया है 6 और वो इवन है, तो हम इस मेंबर को 2m सपोज करेंगे। हम इस मेंबर को 2m सपोज करेंगे। तो लिखते हैं लेट 2m इज इक्वल्स टू 6। अब हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। 2 लेफ्ट हैंड साइड में m के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो 6 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 6/2। जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो हमारा m आएगा 3। अब यहां पर हमने m की वैल्यू को ऑप्टेन कर लिया और m हमारा आया 3। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी दो मेंबर्स को ढूंढते हैं। एक मेंबर तो हमारा है 6 जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी दो मेंबर्स को ढूंढते हैं। जो हमारा सेकंड मेंबर होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो होगा एम स्क्वायर माइनस 1, और जो थर्ड मेंबर होगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो होगा एम स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर है एम स्क्वायर और एम हमारा है 3, तो एम स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे है माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 गया तो आएगा 8। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेकंड मेंबर हो गया 8। अब हम थर्ड मेंबर को बनाते हैं। अब यहां पर है एम स्क्वायर, एम हमारा है 3, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे है प्लस 1 तो लगाएंगे प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का थर्ड मेंबर आ गया 10। स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जिनमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। यहां पर भी हमारे पास में ऐसे 3 नंबर्स आ गए हैं जिनमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, और वो 3 नंबर्स हैं 10, 8 एंड 6। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 6, 8 एंड 10। तो ये आ गया हमारे इस फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर।